डायल 100 में आज बात सबसे पहले उन बैलून्स की जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के होश फाकते कर दिए। राजस्थान के बाड़मेर में मिले इन बैलून्स के बारे में अब कई और जानकारियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि ये बैलून एक मध्यम शक्ति के रडार पर देखा गया था और दक्षिणी पूर्वी दिशा में जा रहा था। जांच में पता चला है कि 3 मीटर चौड़ा और 8 फुट लंबा वो बैलून अमेरिका में बना था, जिसमें कोई विस्फोटक नहीं था। दरअसल पाकिस्तानी सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में एक दिन पहले दिखे संदिग्ध गुब्बारे को लेकर बुधवार को भी लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि आज एक बार फिर बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के निमला और पलाई गांव में आसमान से गिरे कौन नुमा टुकड़े पुलिस ने बरामद किए हैं। एक रिपोर्ट। आखिरकार 24 घंटों बाद में एयरफोर्स ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उसने एक बलून को मार गिराया था विमान के जरिए, क्योंकि वो बलून कहीं ना कहीं संदिग्ध था और इसके लिए बकायदा जैसलमेर से एक सुखोई विमान को उड़ाया गया था, जिसके बाद में करीब 3 से 4 घंटे ये ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन के दौरान बलून को मार गिराया गया। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि ये बलून कहाँ से आया था, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कल जिस वक्त गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उसी वक्त राजस्थान के बाड़मेर जिले में आसमान से उड़ते गुब्बारे ने एयरफोर्स के अधिकारियों में खलबली मचा दी और फॉरेन एक्शन में आई एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने आसमान में उड़ रहे संदिग्ध गुब्बारों को ढेर कर दिया। लेकिन उन गुब्बारों की जगह गहरी साजिश पैदा कर दी है। क्या वो साजिश के बैलून थे या कुछ और? क्योंकि बाड़मेर जिले के पचपदरा थाना इलाके के गुगड़ी और बायतू थाना क्षेत्र के पनावड़ा गांव में मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास एक बड़ा धमाका होता है और आसपास से गिरते हैं कौन नुमा टुकड़े और कई गांवों में दहशत फैलने के साथ साथ आधा दर्जन मकानों में दरारें भी आ जाती हैं। इस धमाके के बाद गांव वालों ने फौरन इसकी खबर पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की छानबीन शुरू की तो जमीन पर बड़े बड़े गड्ढों में मिले लोहे की ठोस कौन नुमा संदिग्ध टुकड़े। पुलिस ने करीब 1 घंटे तक तलाशी अभियान चलाते हुए इस संदिग्ध वस्तुओं को अपने कब्जे में लिया और बाड़मेर जिला मुख्यालय लाया गया, जहां एयरफोर्स के अधिकारियों को बरामद की गई वस्तुएं सुपुर्द कर दी गई हैं। पनावड़ा और गुगड़ी गांव में पुलिस टीम को कुछ अवशेष मिले थे जो कल रात को एयरफोर्स को सुपुर्द कर दिए गए थे। आज दिन में शिव थाना क्षेत्र के 3 गांव हैं, उसमें ये ग्रामीणों ने सूचना दी कि वहां भी इस प्रकार की कुछ चीज़ें कल गिरी, लगभग 11 से 12 के बीच में कुछ चीज़ें वहां गिरी हुई है और वो चीज़ें भी अभी SHO शिव वहाँ मौके पर अभी मौके की कार्रवाई चल रही है। जो भी चीजें वहां मिलेगी वो जब्त करके हम वास्ते जांच एयरफोर्स को सुपुर्द करेंगे। एक दिन पहले पचपदरा के कुगड़ी और बायतू के पनावड़ा गांव में मिली संदिग्ध वस्तुओं की पुलिस जांच कर ही रही थी कि अचानक बुधवार सुबह पुलिस को एक और खबर मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के निमला और बराई गांव में कुछ और विमानों से गिरे संदिग्ध टुकड़े पड़े हुए दिखाई दिए हैं। इस खबर के बाद शिव थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और आसमान से गिरे संदिग्ध टुकड़ों को बरामद कर अपने साथ ले जाती है। यहां तक कि 2 दिन से लगातार कई इलाकों से मिल रहे संदिग्ध टुकड़ों से कई गांवों के ग्रामीण दहशत में हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन पुलिस कप्तान पारिस देशमुख मीडिया के सामने आमजन को इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए ही नजर आ रहे हैं।
लोगों से यही कहना है कि इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है और इसमें जब तक एयरफोर्स के एयरफोर्स का भी इसमें ऑफिशियल वर्जन नहीं आता तब तक किसी प्रकार की अफवाह पे इसमें विश्वास नहीं करें। सर अभी तक कोई एयरफोर्स से जो आपकी बात हुई कोई ऐसी कोई जानकारी आई कि पाकिस्तान से आए इस बारे में कोई नहीं, इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसमें वायुसेना से लगातार संपर्क में है और अब तक उनके तरफ से ऐसा कोई हमें नहीं बताया गया कि हमें कोई इसमें स्पेशल अलर्ट रखना है या इस प्रकार का कोई इनपुट अभी तक नहीं है। बाड़मेर में हुए धमाके के बाद मंगलवार को करीब 4 बजे एयरफोर्स दिल्ली से इस बात की पुष्टि होती है कि एक बैलून को मार गिराया है और इसके बाद बाड़मेर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच जाता है। इस बीच करीब 5:30 बजे ये खबर आती है कि पाली जिले में भी एक गांव में बैलून मिला जिसको एयरफोर्स ने अपने कब्जे में लेकर जोधपुर ले गई। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से आए बैलून के मामले में नया खुलासा हुआ है कि जो बैलून मिला उस पर US से लिखा हुआ है। हालांकि इस बारे में अधिकारी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। वहीं सूत्रों का ये भी मानना है कि ये बैलून पाकिस्तान की तरफ से आए थे जो कि मौसम की जानकारी के लिए उड़ाए जाते हैं, लेकिन जानबूझकर 26 जनवरी को भारत की तरफ इन बैलून को उड़ाया गया ताकि इलाके में दहशत फैलाई जा सके। जिस तरीके का अलर्ट IB की ओर से जारी हुआ था उसके बाद में 26 जनवरी को देखते हुए एयरफोर्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, जिसके चलते ही इस बलून को गिराया गया था। इस बलून के ऊपर जो जिस तरीके की जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि ये USA का निर्मित है। दिनेश कुमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।